आज मैंने देखा कि 3 साल बाद भी मेरे बच्चे अपनी माँ के साथ खड़े हैं। मैं बड़ी खुशनसीब माँ हूँ कि दिल्ली की तमाम यूनिवर्सिटी से जहाँ जहाँ मैंने कहा था सारे बच्चों ने अपनी ड्यूटी निभाई है और मुझे ये बता दिया है कि माँ आप अकेली नहीं हो, दिल्ली के बच्चों ने बताया है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी ने बताया है। ये आज उन संघियों के मुँह पे तमाचा है, ये बच्चे जिन्होंने ये सोचा है कि नजीब की माँ के हम पैर उठा देंगे। और दूसरा तमाचा शाम को न्यूज से पड़ेगा जब तमाम हिंदुस्तान से खबर आएगी कि तमाम हिंदुस्तान में सब यूनिवर्सिटियों में नजीब के नाम से प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ से आवाजें उठ रही हैं। ये संघी सरकार, ये हुकूमत ये डरती है सिर्फ और किससे, सिर्फ ये नौजवानों से जो आने वाले वक्त के हुक्मरान है। ये देश के एक अच्छे और सच्चे नागरिक हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का ख्वाब लेकर आए हैं कि अपने माँ बाप को ख्वाब का पूरा करेंगे और उनकी इज्जत अफजाई होगी, इस देश का नाम रोशन होगा, ना कि इस देश को बेचेंगे ये इसे प्राइवेट में देंगे। ये इन्होंने कभी नहीं सोचा है, ना कभी सोच सकते हैं। जो देश के वफादार बनते हैं वो पूरे देश को आज बेच रहे हैं, पूरे देश को उन्होंने निजीकरण के लिए दे रखा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी, सब कुछ सारे संस्थानों को उन्होंने मिटा के रख दिया है। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे और ये कौन रोकेगा, ये देश के नौजवान रोकेंगे, ये इनका हक है, ये हम किसी को नहीं छीनने देंगे, बिल्कुल नहीं छीनने देंगे। ये आज जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं हमारे लिए, कल इनकी नौकरियां भी छिनेंगी, इनकी ये भी हमारे सभों में खड़े होंगे आकर, जब इनसे कहा जाएगा हमने रोबोट तैयार कर लिए हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, जाइए आपकी नौकरी खत्म हो गई, तब इन्हें एहसास होगा कि लाठी डंडे चलाते थे जब हम, तब हम पे क्या बीत रही है। मैं आज इन तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे सुरखरू कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये नौजवान पूरा तबका, पूरा यूथ, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी बस्ती से हो, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, मेरे साथ है। मैं इनके साथ से ये पूरी मिशन को जीत के दिखाऊंगी और इनको ये हार माननी पड़ेगी। एक माँ के सामने हारेंगे और एक माँ जीतेगी, जो यूथ जीतेगा, ये हिंदुस्तान जीतेगा, ताकि आइंदा किसी माँ को इस तरह सड़क पर उतरना पड़े। मैं नौजवानों को यही कहना चाहूंगी, जब भी कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई माँ बहन बेटी कोई भी इन्हें किसी हाल में खड़ी मिले, उसका साथ दें, उसकी मदद करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। ये कोई मोदी के भतीजी के गुलाम नहीं है जो गुलामी करेंगे और उसके लिए उसका पक्ष ढूंढ के देंगे, ये जानों की हिफाजत करेंगे, ये आबरू की हिफाजत करेंगे, ये उन लोगों की हिफाजत करेंगे जिनका कोई नहीं है, उनका साथ देंगे। जो लोग अपने आप को सत्ताधारी कहते हैं वो सत्ताधारी नहीं, वो गुनाहगार हैं। इस देश के उन तमाम लोगों के जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं, उनमें हिम्मत नहीं है इस माँ की, इस बीवी की, इसकी बहन का सामना कर सके। और इंस्पेक्टर सुबोध की बीवी जो खुद एक पुलिस से ताल्लुक रखती है, जो पुलिस वाले की बीवी है, बताओ कितनी शर्म की बात है। यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं और एक पुलिस वाले के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है। इन सबको चाहिए कि अपने हथियार फेंक दें और हमारे साथ खड़े हो जाएं, आगे वरना शर्म से डूब पड़े अगर ये ऐसा नहीं करते। मैं इतना ही कहूंगी कि अभी मैं जो पहले आप लोग सारे लोग बोल चुके हैं और आपने सुन भी लिया है, मैं उम्मीद करती हूँ जब कभी मुझे आपकी जरूरत होगी आप मेरे साथ हमेशा की तरह